अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार डेजर्ट बनाना सिखाऊंगा। गेट टुगेदर पार्टी होगी या बर्थडे पार्टी होगी या कोई भी फीस्ट है या कोई फेस्टिवल है, ईद का त्यौहार है, दिवाली वगैरह है, कुछ भी है, तो उसमें आप ये बनाइएगा। बहुत ही आसान और सिंपल है, बहुत मज़े का बनेगा। आज मैं आप लोग के लिए मिनी ओरियो जो है बिस्किट्स इस तरह के मिनी ओरियो बिस्किट प्लस केक के साथ मैं चॉकलेट कस्टर्ड आपको बनाने सिखाऊंगा। यहाँ मैंने सारी पूरी तैयारी की है, तो चलो मैं दोस्तों आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ और रेसिपी को जल्दी जल्दी बनाते हैं और ये बहुत मज़े की है। दोस्तों मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के लिए कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आप इसकी जगह पर पीले रंग का जो वनीला कस्टर्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पैकेट मैंने मिनी जो है ओरियो बिस्किट लिए हैं, कुछ मैंने चॉकलेट्स वाले लिए हैं, कुछ मैंने स्ट्रॉबेरी वाले लिए हैं, तो आप कोई से भी ले सकते हैं। ये 2 फ्लेवर के मैंने लिए हैं। और 2 कप मैंने दूध लेकर उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब मैंने कोको पाउडर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मैंने टाइम बचाया, तो आपने कोई सा भी कोको पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब 2 कप मिल्क के अंदर खालिस जो मिल्क हो टेट्रा पैक का उसके अंदर डाले तो ज़्यादा बेहतर टेस्ट अच्छा आएगा। डाल के अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। और 10 रुपीज़ वाले मैंने 2 केक लेके इस तरह छोटे छोटे चूरा कर लिए। अगर होममेड है आपके पास केक है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर आपने छोटा छोटा कर लेना है। 2 टीस्पून मैंने लिए हैं चीनी। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा डाल लें, क्योंकि मेरा केक भी मीठा है बिस्किट भी मीठे हैं, तो इस वजह से चीनी ज़्यादा ना हो जाए। इस वजह से मैं 2 टीस्पून डाल रहा हूँ। आप 2 टेबलस्पून के करीब यूज़ कर लें, या अगर ज़्यादा पसंद है तो टेस्ट करके ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों एक चूल्हा मैंने जला लिया मीडियम हीट पे, उसके ऊपर हम ये रख देंगे दूध, कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर और मिक्स करेंगे तब तक ये जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे और ये अच्छे तरीके का सारा कस्टर्ड की तरह गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है इसकी जगह पे आप पीले रंग का वनीला कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का, रिफान का, नेशनल का, या फौजी का, या इंडेक्स का। चलो दोस्तों जैसे ये गाढ़ा होता है फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं, साथ ही हम चीनी शामिल कर देते हैं और ये आपने स्टर करते रहना, हलाते रहना, अदरवाइज ये नीचे लग जाएगा। लें जी दोस्तों हमारा कस्टर्ड तैयार है। देखिए इसे मैं मुसलसल हलाता रहा हूँ और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया। बस ये हो गया, अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम केक की और मिनी ओरियो की इस बर्तन के अंदर ट्रांसपेरेंट कोई सा भी बर्तन ले गए उसमें हम वो करेंगे असेंबलिंग। चलिए दोस्तों इसकी आंच बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं 5-10 मिनट के लिए। चलो जैसे ठंडा होता है फिर हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। लें जी दोस्तों हमारा जो है चॉकलेट कस्टर्ड केक अच्छे तरीके के साथ ठंडा हो चुका है। हम बनाते हैं अब इसे, जो चॉकलेट का हमने कस्टर्ड तैयार किया है कॉर्नफ्लोर के साथ, अब हम इसे असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले ये कस्टर्ड की लेयर लगा दें नीचे थोड़ी थोड़ी। दोस्तों मैंने इसे गाढ़ा गाढ़ा रखा है, आपने भी थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, गाढ़ा ही अच्छा लगेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा पतला पसंद है तो आप थोड़ा सा पतला रख लें। ये हो गया दोस्तों, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा केक डालेंगे इस तरह। और उसके बाद दोस्तों हम थोड़े थोड़ी ओरियो रख देंगे बिस्किट इस तरह। अब हम दूसरी ले लगाएंगे। चलिए जैसे दोस्तों ये होता है फिर मैं आपको कंप्लीट करके ये दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों हमारा मज़ेदार मिनी ओरियो एंड केक चॉकलेट कस्टर्ड तैयार है, जो हमने कोको पाउडर के साथ इस बनाया है और जो है कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। दोस्तों अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो इसकी जगह पे आप वनीला कस्टर्ड के साथ भी बना सकते हैं। दोस्तों इसे ज़रूर बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बना, मैंने टेस्ट करके देखा है, तो इसे ज़रूर बनाएंगे और अपने हिसाब से इसकी डेकोरेशन आप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें।
और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाजत दे के जल्द हाफिज़, टेक केयर।